यो व्हाट्सअप गाइज, हेलो एंड वेलकम टू एमएफएफ हिंदी। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ओडिन चचा टीयर फोर हो चुके हैं, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओडिन वीएस थॉर टीयर फोर कंपैरिजन। क्योंकि मुझे पता है भाई, जिसके पास में थॉर टीयर फोर पे है वो सोच रहा है कि भाई हमको ओडिन की क्या जरूरत है भाई, हमारे पास थॉर टीयर फोर पे है। तो भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि थॉर और ओडिन में कितना फ़र्क है। दोनों के दोनों कैरेक्टर टीयर फोर पे हैं और सिमिलर से बिल्ड के साथ में हैं, मतलब दोनों को मैंने रेस दिया है। और यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं वर्ल्ड बॉस लेजेंड में, जीबीआर में और एबीएल में, मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट गेम मोड में हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों का। तो चलो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अपना कंपैरिजन और इनको लेके चलते हैं एबीएल में। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो एबीएल का मैं आपको पूरा का पूरा मैच नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर पूरा मैच दिखाने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। जैसे कि मैंने बोला, एबीएल भी कंपैरिजन करेंगे, वर्ल्ड बॉस लेजेंड भी कंपैरिजन करेंगे और जीबीआर भी करेंगे। तो अगर पाँच पाँच तीन तीन मिनट का पूरा दिखाने लगा तो भाई 15-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लास्ट के 30 सेकेंड का आपको क्लिप दिखा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे लास्ट 30 सेकेंड थॉर ये अटैक कर रहा है और डैमेज इसका कितना स्कोर हो रहा है आप देख लो। उसके बाद में लास्ट 30 सेकेंड ओडिन का हम दिखाएंगे और फाइनल स्कोर कितना होगा ओडिन से वो हम देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 3.5 मिलियन का स्कोर हो चुका है। हाँ, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं किया था, ओडिन माइट वगैरह सारे के सारे मैंने कलेक्ट कर लिए थे। फेयर प्ले मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि भाई थॉर का परफॉर्मेंस कम करके दिखा रहा हूँ या ऐसा कुछ लोचा नहीं किया मैंने, ठीक है, एकदम से जेन्युइन मतलब दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे 30 सेकेंड आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। आई होप कि आपको इतना तो भरोसा होगा मुझ पर। तो यस गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ओडिन का परफॉर्मेंस चल रहा है और यस, ये 30 सेकेंड लास्ट के आप देख सकते हो 4 मिलियन का स्कोर हो चुका है और ये लगभग 5 मिलियन तक का स्कोर करता है। अभी हम पहले हम खेल चुके हैं एक बार, तो अभी हम देखने वाले हैं फिर से कितना स्कोर करेगा। तो यस, 4.6 मिलियन अभी 13 सेकंड का बाकी है। और रोटेशन वगैरह प्रॉपर जो होता है नॉर्मल सा वो हमने यूज़ किया है, एकदम से बेसिक वाला रोटेशन, बहुत टफ वाला रोटेशन हमने यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5.1 मिलियन का स्कोर ओडिन ने किया है। तो कितना डिफरेंस आया, लगभग 1.5 मिलियन का डिफरेंस या फिर हाँ 1.25 मिलियन का डिफरेंस, 1 मिलियन ही मान लो, तो 1 मिलियन का डिफरेंस आया है एबीएल में। अब हम वर्ल्ड बॉस लेजेंड देख लेते हैं, वर्ल्ड बॉस लेजेंड में इनका कितना डिफरेंस है। हालांकि देखो, वर्ल्ड बॉस लेजेंड में अगर आपको डिफरेंस देखना है तो थोड़ा हाई स्टेज खेलना पड़ेगा, स्टेज 14 में क्या ही पता चलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरा हाई स्टेज मतलब जिसमें ये दोनों के दोनों कैरेक्टर यूज हो पाए वो स्टेज अनलॉक नहीं है। मतलब मान के चलो कि हर 5 स्टेज पर अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो इसलिए ऊपर वाले स्टेज में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है जहाँ तक मेरी अनलॉक हुई है वर्ल्ड बॉस लेजेंड की स्टेज। तो अभी हम स्टेज 14 ही कर रहे हैं और स्टेज 14 में कितना फ़र्क आएगा वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। 52 सेकेंड में इसने फर्स्ट फेज क्लियर किया है, अब देख लेते हैं सेकेंड फेज क्या ये वन शॉट होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा टीयर 3 रेडी नहीं है, हमारा टीयर 4 रेडी नहीं है। अगर टीयर 3 टीयर 4 दोनों एक साथ रेडी होता तो हाँ थोर वन शॉट भी कर सकता था, बट नहीं है। तो चलो देख लेते हैं कितना टाइम लेगा, ये देखो भागने में ही टाइम लग रहा है यार। ठीक है, ओके, अभी थोड़ा सा यहाँ पे देख के खेलना पड़ेगा। और ये 5 स्किल में दोनों के दोनों कैरेक्टर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लाइक जैसे कि 5 स्किल का हथौड़ा जब थोर मारने लगता है तो उसी स्किल में रह जाता है, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। उसी तरह से सिमिलर ओडिन भी है, जब जब तक कि उसका जॉइंट निकल नहीं जाएगा तब तक आप उसी स्किल में फंसे रहोगे, अगर आप दूर हो ऐसा टारगेटिंग वाला अगर इशू आ गया है तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने कंप्लीट किया है 1 मिनट 28 सेकंड में स्टेज 14 एट टीयर 4। अब हम ओडिन को लेंगे और टीम हमारा सेम रहेगा, मतलब बेटर एबिल का लीडरशिप रहेगा और टास्क मास्टर का सपोर्ट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे ओडिन लगाएंगे एक्स्ट्रा, मतलब चेक करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं ओडिन कितना फास्ट क्लियर करता है। हालांकि मतलब हाँ, हो सकता है 2-4-5 सेकेंड का ही फ़र्क आए, क्योंकि स्टेज 14 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अगर हम 5 मिनट पूरा खेलते, 5 मिनट का गेम प्ले होता तो उसमें शायद 30-40 सेकेंड का फ़र्क दिख जाता आपको, या 50 सेकेंड का भी हो सकता था, 1 मिनट का भी हो सकता था अगर हम मैक्सिमम टाइम तक खेलते तब। बट यहाँ पर भाई 1 मिनट 1.5 मिनट का गेम प्ले ही चल रहा है तो फिर कितना ही डिफरेंस आएगा, ठीक है, कितना ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरा का पूरा गेम प्ले ही 1.5 मिनट का चल रहा है। जीबीआर में हम देखेंगे, स्पेशली जीबीआर में ये दोनों में कितना डिफरेंस है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बॉस को खैर बहुत ज़्यादा हाई स्टेज कोई खेलता नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो एकदम से हाई स्टेज खेलते हैं वर्ल्ड बॉस का, बाकी तो जीबीआर डेली सबको खेलना रहता है और जीबीआर में ऐसा कोई स्टेज वाला सिस्टम नहीं है। और ये दोनों के दोनों यूनिवर्सल टाइप के कैरेक्टर हैं तो जीबीआर में
बराबर डैमेज देंगे एवरी डे, मतलब चाहे डोरमामू ब्लास्ट हो या फिर स्पीड हो, कम्बेट हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा देखना कि मतलब कितना फास्ट ये दोनों में क्लियर करते हैं और कितना डिफरेंस है ये दोनों में। तो यस, यहाँ पे फर्स्ट फेज क्लियर हो चुका है और देखते हैं ओडिन चचा हमारे सेकंड फेज कितना जल्दी क्लियर करते हैं। हाँ, फर्स्ट फेज का टाइम मैंने नहीं देखा कितना टाइम इसने लिया है। खैर ये देखो भागने भागने उगने में 2-4-5 सेकंड तो ऐसे ही फ़र्क हो जाएगा भाई, 2-4-5 सेकंड का डिफरेंस तो ऐसे ही आ जाएगा। किसी के साथ में आप अच्छे से भाग लिए हो, किसी के साथ में आप अच्छे से नहीं भाग पाए हो, तो उसी में 2-4-5 सेकंड चला जाएगा। खैर आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे वर्ल्ड बॉस लेजेंड का भी, नहीं तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं बोलेंगे भाई, कमेंट करेंगे कि भाई वर्ल्ड बॉस लेजेंड में भी दिखा दो हमको। तो देख लो भाई वर्ल्ड बॉस लेजेंड का इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, यहाँ पे इसने कंप्लीट कर दिया है और 1:22, तो 1:28 और ये 22, 6 सेकंड का डिफरेंस आया है। मतलब ठीक है यार, 2-4-5 सेकंड ऐसे आगे पीछे हो जाता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अब हम GBR में देख लेते हैं, मेन यहाँ पे हम देखते हैं कितना डिफरेंस आता है इन दोनों कैरेक्टर में, यहाँ पे हमको फाइनल पता चलेगा कौन ज़्यादा बेटर है। हाँ, ABL में तो हमने देख लिया, देखो ABL और GBR ये दो इंपॉर्टेंट गेम मोड है, बाकी वर्ल्ड बॉस तो खैर अपने ऊपर डिपेंड है आप कौन सा स्टेज खेलते हो। ठीक है, तो यस यहाँ पे गाइस देख सकते हो थॉर का डैमेज, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया इसका 1.5 कर दिया है ताकि थोड़ा कम टाइम लगे, मतलब ऐसे पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो। तो यस यहाँ पे आप देख सकते हो 38 बार पे आ चुके हैं एंड इस बार हम टीयर 3 यूज करेंगे और ये गया 24 बार पे। ठीक है, नाइस डैमेज और यूनिवर्सल ओडिन यूनिवर्सल, मतलब अगर ये दोनों कैरेक्टर टीयर 4 है तो फिर दो बार आपका GBR क्लियर होगा, मतलब डेली कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो सामने वाला, मतलब स्पीड हो, ब्लास्ट हो, कम्बेट हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यस यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल फेज मतलब फर्स्ट फेज इसने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड फेज में हम 20 बार तक जाएंगे और देखेंगे ये 20 बार तक कितने टाइम लेता है, मतलब 20 बार जाने में थॉर कितना टाइम लेता है और ओडिन कितना टाइम लेता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला टाइम की कमी है या फिर टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। ठीक है, ओके भाई स्किल यूज हो जाओ फटाफट। ओके नाइस, तो यस यहाँ पे आप देख सकते हो हम आने वाले हैं 20 बार पे एंड 7 मिनट रिमेनिंग। चलो ठीक है, 7 मिनट रिमेनिंग में इसने कर दिया है, 20 बार पे आ गया है ये। अब हम ओडिन से देख लेते हैं ओडिन चीचा कितना टाइम लेते हैं, मतलब 3 मिनट में थॉर चला गया था 20 बार पे सेकंड फेज के। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ओडिन से कितना टाइम लेता है ओडिन। ओके एंड ठीक है, चलो इसका भी स्पीड हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा बचाना है। ठीक है एंड यस बूम 53 बार एंड टीयर 3 उसके बाद में 4 यूज़ करना है और ये डैमेज 37 बार। तो 38 पे थॉर के साथ में रुका था और ये 37 पे ओडिन के साथ में रुका है, मतलब लगभग सिमिलर डैमेज समझ सकते हो आप। ठीक है एंड यस, ठीक है ठीक है एंड टीयर 3 एंड 4 और ये डैमेज, हाँ थोड़ा सा बेटर लग रहा है, डैमेज थोड़ा सा बेटर लग रहा है इसका, क्यों नहीं होगा भाई क्योंकि ये थॉर का बाप है। हाँ बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सेकंड का फ़र्क आया है फर्स्ट फेज में, 5-6 सेकंड मान लो ये फास्ट है फर्स्ट फेज में। अब सेकेंड फेज में देख लेते हैं कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, 3 मिनट में थॉर गया था 20 बार पे। ओके यहाँ पे हम देखते हैं ओडिन चचा 20 बार पे जाने के लिए कितना टाइम लेते हैं। ओके 30, नाइस 10 बार और करना है एंड यस, देखो ये ख़त्म हो गया और ये मूव कर सकते हो, ऐसा बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं होता है। ठीक है ओके एंड यस, ठीक है 3 बार और करना है और ये ठीक है एंड यस बूम 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड का डिफरेंस आया, 40 सेकेंड फास्ट है ओडिन थॉर से GBR में। ठीक है, चलो मैं आपको अपना कार्ड दिखा देता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा इतना डैमेज कौन से कार्ड से हो रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो 13% का पियर्स है, 74% का ऑल अटैक है,
और एनर्जी अटैक है 45% का। मैं आपको बता दूं कि ये आईडी दिव्यांशु भाई की है, तो थैंक यू सो मच दिव्यांशु भाई आईडी देने के लिए, रिव्यू के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, थॉर को बिल्ड करना है या फिर ओडिन को बिल्ड करना है, दोनों में से किसको बिल्ड करें। तो भाई देखो, अगर आपके पास थॉर टीयर 4 पे है और आप थॉर से ही काम चलाना चाहते हो तो आप थॉर से काम चला सकते हो, लेकिन अगर आप थॉर से बोर हो गए हो, आपको एक रिफ्रेशमेंट फील करना है, तो फिर ओडिन को आप बिल्ड कर सकते हो। ओडिन बेटर है थॉर से, और एक नया एक मतलब नया कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, एक अलग सा फील आ सकता है आपको अगर आप ओडिन से खेलोगे। तो आपके ऊपर है, आपको बिल्ड करना है तो करो, नहीं करना है तो थोर से भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोर सस्ता है, ओडिन महंगा है, इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।